देख ले ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं और इनमें केंद्र सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो सामने देखने को मिल रहा है। और देखिए पूरी तरह से पारंपरिक वेशभूषा से लैस होकर के ये यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में आए हैं फूलों का गुलदस्ता लिए। देखिए पटना के रैली में जो लोग हैं सब लोग अद्भुत तरीके से भाग लेने के लिए पटना पहुँचे हैं। ऐसे में जो अभी नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो पटना के गांधी मैदान पहुँचने वाले जो लोग हैं वो बैंड बाजे के धुन के साथ ही अपने जो उनकी पारंपरिक जो शैली है उस शैली से सरोवर होकर के वो पटना के गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो बांका के लोग आए हैं अपनी पारंपरिक हथियार को लेकर के यहाँ गांधी मैदान में पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं कि पूरे गाने बजाने के साथ यहाँ पे लोग आए हैं और क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। मैं कटोरिया विधानसभा के पूर्व विधायक सुची सीमा हेम्ब्रम और आज हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने हम आदिवासियों का हम जनजातियों का 2% आरक्षण बढ़ाया है और 17 महीना में उन्होंने जो करके दिखाया है वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उनको धन्यवाद देने के लिए हम गांधी मैदान तक पहुँचे। देख ले ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं और इनमें केंद्र सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो सामने देखने को मिल रहा है। और देखिए पूरी तरह से पारंपरिक वेशभूषा से लैस होकर के ये यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में आए हैं फूलों का गुलदस्ता लिए। कहाँ से आप लोग आई हैं? कटोरिया से। क्या कुछ संदेश दे रही हैं आप लोग ये फूल वाला लेकर के? तो देख सकते हैं कि तरह तरह से लोग जो हैं अपनी जो वहाँ उनकी पारंपरिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा से लैस होकर के पटना के गांधी मैदान में पहुँच रहे हैं। और इनका कहना है कि हम लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं और सरकार हमारे साथ जातकी करती है, इस केंद्र की बीजेपी सरकार को उकाड़ फेंकने के आह्वान के लिए यह पटना के गांधी मैदान में पहुँची हैं।